नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लक्ष्य के आधार पर किए गए वृक्षारोपण की ऑडिट के लिए आयुक्त ने टीम गठित कर 3 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। आयुक्त रोहित व्यास ने भिलाई के सौंदर्यीकरण एवं हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत जीई रोड, उद्यान, शासकीय भूमि, अस्पताल परिसर, गौठान, एसएलआरएम सेंटर, व्यावसायिक क्षेत्र आदि में वृक्षारोपण के निर्देश वर्षा ऋतु के पूर्व दिए थे, जिसके लिए प्रत्येक जोन को वृक्षारोपण करके लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्तमान में किए गए वृक्षारोपण की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने अभियंताओं की टीम गठित कर 3 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश प्रसारित किए गए हैं। टीम के सदस्य वृक्षारोपण स्थल का मुआयना कर सूख गए पेड़, क्षतिग्रस्त पाइप की जानकारी एकत्र करेंगे। ठेका प्राप्त एजेंसी को खाद पानी नियमित रूप से प्रदान किए जाने की जानकारी भी प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। नहीं, इसमें प्लांटेशन ऑडिट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जून जुलाई के महीने में हम लोगों ने एक बृहद प्लांटेशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 10,000 पौधे हम लोगों ने लगाए थे। और इसमें हर जोन के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्टर को हम लोगों ने चयन किया था प्रक्रिया का पालन करके। अब इसमें ये देखना है कि कहीं कहीं पे कुछ पौधे जो हैं वो डैमेज हो गए हैं या मृत हो गए हैं, और जो पाइप के वाला प्लांटेशन हमने किया था तो कुछ पाइप भी डैमेज हो गए हैं, तो उन सबको रिप्लेस कराने के लिए और जो पौधे हैं उनमें पानी और खाद की व्यवस्था करने के लिए प्लांटेशन ऑडिट का हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें निगम के जितने भी सब इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, ये सभी जितने भी प्लांटेशन साइट है सभी विजिट करेंगे, उसका पूरा लेखा जोखा तैयार करेंगे और जहाँ पर भी पौधे मृत हो गए हैं उसको वापस रिप्लेस करेंगे। वृक्षारोपण का कार्य करने वाली एजेंसी अगर निगम के अनुबंध के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।